अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के गाइडेंस के हिसाब से बना रहा हूँ, काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं मुझे, फ़ोन कर करके परेशान करते हैं, तो आप लोगों के लिए बेस्ट वीडियो रहेगा ये, आप लोगों के ध्यान में आएगा ये कि क्या करना चाहिए फिशेज़ को। अगर आपके मच्छी को फंगल है, फंगल जैसे कि जख्म हो जाता है, फिन रॉट हो जाता है, या फिर मच्छी जाके बैठ जाती है, सबसे पहला स्टार्टिंग में आपको पानी चेंज करना है फिशेज़ का। पानी चेंज करने के बाद आपको मेडिसिन करना है उस मच्छी को, जैसे आप एक्रिफ्लिविन जैसे कि येलो लिक्विड भी यूज़ कर सकते हो, आप ग्रीन लिक्विड जो बोलते हो उसको वो यूज़ करो फंगल के लिए। और अगर आपको वाइट स्पॉट लगता है तो वाइट स्पॉट के लिए आप ब्लू लिक्विड यूज़ करो। और आपको एक बात ध्यान में रखना, अगर आपकी मच्छी बीमार है तो आपको उसके अंदर हीटर लगाना ज़रूरी है। हीटर लगाने से उसके अंदर का जो बैक्टीरिया होता है, तो पानी के अंदर बैक्टीरिया तो मर जाता है, उसके बाद आपका मच्छी कंडीशन में आ जाएगा। और सडनली एक झटके में तो नहीं आएगा, एक से दो दिन लग सकते हैं, तीन दिन लग सकते हैं, बट आपको इजी पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। नॉर्मल ट्रीटमेंट तो यही है, उसके अलावा मेडिसिन वाले ट्रीटमेंट तो अलग होते हैं। एंटीबायोटिक में कोई भी मेडिकल का आप मेडिकल पे जाओ, एंटीबायोटिक में आप कोई भी कैप्सूल वगैरह यूज़ कर सकते हो, मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पैरेक्सिन है, पैरेक्सिन एंटीबायोटिक है, 500 mg पैरेक्सिन, या आप डिस्कस को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन यूज़ करो, एंटीबायोटिक में बहुत सारी वैरायटीज़ आती है, वो आप यूज़ करो फिशेज़ के लिए। और फिशेज़ के लिए जितना भी मेडिसिन यूज़ करेंगे, उससे पहले आपको जो भी फिल्टर है, फिल्टर के अंदर का स्पंज निकालना ज़रूरी है। स्पंज नहीं निकालेंगे तो आप लोग का जो भी मेडिसिन डाला है वो स्पंज खींच लेगा, उसके बाद आपको मच्छी को पावरफुल नहीं रहेगा, मच्छी आपकी सही नहीं होगी। फ्रेंड सब्सक्राइब माई चैनल सो यू कैन सी माई अपकमिंग वीडियोज़। आरिफ भाई, अगर हमारे पास में फिश है और वो बीमार है कि नहीं है, ये कैसे पहचाने के? मैं आप लोगों को बता देता हूँ बीमार मच्छी पहचानने का तरीका क्या होता है। आपको सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके टैंक के पास जाना है। टैंक के पास जाने के बाद आपको खड़ा रहना है और बॉडी को देखना है मच्छी के, आपके बॉडी के, अगर मच्छी के बॉडी के ऊपर वाइट स्पॉट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, या फिर फंगल लग रहा है पीछे की साइड की, उसकी टेल सड़ रही है, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है आपको, उसकी मूविंग में हल्का सा झटका मार रहा है, बॉडी घस रहा है ज़मीन के ऊपर, तो समझना आपके फिशेस को प्रॉब्लम है, स्टार्ट हो गया है, वो भी आज या कल में मरना चालू हो जाएगी। जैसे कि मच्छी का बैक साइड सड़ना चालू होता है, फंगल में स्टार्टिंग होता है, जैसे कि टेट्रास है, टेट्रास के अंदर बैक साइड इसका सड़ता है, टेल सड़ना चालू होता है टेट्रास के अंदर, और बॉडी के ऊपर वाइट वाइट स्पॉट आते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला स्टार्टिंग में इसका पानी चेंज करना है। पानी चेंज करने के बाद आपको इसके अंदर मेडिकेशन करना है। मेडिकेशन करने के लिए आपको इसके अंदर ग्रीन लिक्विड भी यूज़ कर सकते हो, अगर वाइट स्पॉट है तो आपको इसके अंदर ब्लू लिक्विड डालना है, अगर फंगल है तो आपको इसके अंदर एक्रिफ्लिविन ग्रीन लिक्विड या येलो लिक्विड आप डाल सकते हो इसके अंदर। और अगर आपका प्लांटेड टैंक है तो आप लोग सवाल पूछेंगे कि भाई मेरा ये प्लांटेड टैंक है, इसके अंदर मेरी फिशेस बीमार है, तो मैं क्या करूँ इसके अंदर, इसका मेडिकेशन कैसा करूँ? तो आप लोगों को ये बता देता हूँ मैं, इसके अंदर आपको मेडिकेशन करने का तरीका यही है कि आपको पानी जो होता है, पानी थोड़ा सा 25% चेंज करना स्टार्टिंग में। इसके अंदर आपको सिप्लोफ्लॉक्सासिन करके एक मेडिसिन आती है, सिप्ला कंपनी की, वो मेडिसिन आपको साइड में डालना है। और उसके बाद आपको जो एंटीबायोटिक जो टैबलेट है उसका पानी आपका लाल नहीं करेगी, आप इसके अंदर पैरेक्सिन भी डाल सकते हो। पैरेक्सिन 500 जो होती है वाइट कलर के पाउडर में आती है, उसके अंदर होता है वाइट कलर का पाउडर होता है, आपका पानी जो येलो कलर का नहीं होगा, आप इसके अंदर येलो लिक्विड या ब्लू लिक्विड तो यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए आपके दो चीज़ें आपके लिए यूज़ करने के लिए, अगर आपको लगता है कि मेरे फिशेस को वाइट स्पॉट हुआ है तो आप प्लांट के अंदर भी हीटर लगा सकते हैं। प्लांट के अंदर आपको 3-4 घंटा हीटर चलाना है, पानी गर्म करना हल्का सा, उसके अंदर वाइट स्पॉट निकल जाएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। और बाकी अदर फिशेस के लिए भी आपको वाइट स्पॉट होगा तभी भी आपको हीटर लगाना ज़रूरी है। और उसके अलावा आपको ब्लू लिक्विड डालना है और नमक डालना है, अगर प्लांट है तो नमक मत डालना, अगर नॉर्मल टैंक है तो आपको नमक और मेथिलीन ब्लू डालना ज़रूरी है और हीटर लगाना ज़रूरी है। 1 से 2 दिन के अंदर आपका वाइट स्पॉट क्लियर हो जाएगा फिशेस का। मैं सबसे पहला, आप कोई भी शॉपकीपर से फर्स्ट टाइम अगर मच्छी खरीदते हो तो अगर आपका टैब वाटर है तो आपको डिक्लोरिनेशन वाइट लिक्विड होता है वो लेना आपको ज़रूरी है। अगर आप बोरिंग का पानी यूज़ करते हो तो आपको वाइट लिक्विड ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा आपको एक्रिफ्लेविन येलो लिक्विड ग्रीन लिक्विड आपको लेना ज़रूरी है, और उसके अलावा मेथिलीन ब्लू आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि मच्छी है, मच्छी कब बीमार हो जाएगी, कब क्या हो जाएगा बोल नहीं सकते, आधी रात में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप उसको मेडिकेशन कर सकते हो। और हीटर लेना ज़रूरी है, आप लोगों को बता देता हूँ हीटर ले लो, क्योंकि हीटर जो ये काम करता है कि आपका अंदर का जो बैक्टीरिया रहता है वो बैक्टीरिया मारेगा, हीटर लेना ज़रूरी है। हीटर एक लेके रख लो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीटर और 2 लिक्विड ले लो। अगर आपका बोरिंग का वाटर है तो आप वाइट लिक्विड नहीं यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, अगर आपका नॉर्मल है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आरिफ भाई, ये ऑक्सीजन मशीन जो बोलते हैं ये ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है?
ऑक्सीजन मशीन आप नॉर्मल यूज़ करेंगे, स्पंज फिल्टर यूज़ करेंगे तो सबसे बेस्ट है। और काफ़ी फिल्टर के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ है, इंटरनल फिल्टर है, हैंग ऑन फिल्टर है, कैनिस्टर फिल्टर है, टॉप ऑफ फिल्टर है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा सब लोगों को कि जो कैनिस्टर अपना इंटरनल फिल्टर है, जो पावर फिल्टर बोलते हैं उसको, आप उसको 3 से 4 घंटे ओनली फॉर यूज़ करें। और ज़्यादा करके आप एयर पंप होता है जो ऑक्सीजन फिल्टर जो होता है, मतलब जैसे कि स्पंज फिल्टर, हाँ आप उसको ज़्यादा यूज़ करें। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा कंटिन्यूटली वो पावर जो मारते रहता है कंटिन्यू, उससे मच्छी बीमार हो जाती, फटके लग जाते। इससे अच्छा 3-4 घंटा उसको यूज़ करो, वो अपना पानी क्लियर कर देगा, उसके बाद बंद करो। और ऑक्सीजन जो देते हैं हम, ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करते हैं फिश टैंक में, तो वो पर्टिकुलरली कोई फिश को नहीं चाहिए और कुछ फिशेज को चाहिए, ऐसा कुछ रहता है क्या? कैसा होता है, डिपेंड है मच्छी के ऊपर। शार्क वगैरह आप डालेंगे, बेटास डालेंगे, गप्पीज डालेंगे, तो ये सब चीज़ मच्छियों को ऑक्सीजन नहीं लगता है। बाकी के अदर फिशेस को ऑक्सीजन लगता है, सकर वगैरह को ऑक्सीजन नहीं लगता है, बाकी के सब मच्छी को ऑक्सीजन लगता है। उतना जैसे कि बाउल वगैरह में रखना है या फिर आपको बेटास रखना है, गप्पीज रखना है, तो उसको ऑक्सीजन नहीं लगाएंगे तो भी चलता है। ओके, तो यानी बाकी अदर फिशेज को सबको ऑक्सीजन चाहिए। अदर फिशेज को ऑक्सीजन चाहिए। मैं जितना मेरे हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा, मेरे शॉप के ऊपर भी स्पंज फिल्टर लगाया हुआ है। नॉर्मल स्पंज फिल्टर यूज़ करो, सबसे बेस्ट है एयर पंप जो होता है। आपने तो स्पंज फिल्टर लगाया है और बढ़िया क्लीन भी दिख रहे हैं टैंक्स। स्पंज फिल्टर लगाने के बाद आपको सिर्फ इतना ही करना है, 4 से 5 दिन में स्पंज निकाल के धुलते रहो, वापस से लगाते रहो। और पानी चेंज करने का तरीका आप लोगों को बता देता हूँ मैं। पानी चेंज करने का तरीका, बहुत से लोग 15-15 दिन 20-20 दिन के बाद बोले नहीं, बोले हमारे से होता नहीं है, साफ करने के लिए काफ़ी तकलीफ होती है, मच्छियों को बाहर निकाल लेते, ड्रम के अंदर बाल्टी में निकाल लेते, नए पानी में डाल देते, मच्छी मार देते। तो आप लोगों को सबसे इजीली तरीका बता देता हूँ आज, साइफन पानी चेंज करने का तरीका। ये मच्छी का टैंक है, अब ये पूरी मच्छी तो मैं बाहर निकालूंगा नहीं और इसको साफ़ नहीं करूंगा। इसके लिए आप लोग को क्या करना है, सबसे पहला इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को इसका स्क्रबिंग करना है। स्क्रबिंग करना मीन्स इसको डस्टिंग करना है अंदर से। अंदर से डस्टिंग करने के बाद आप इसको इसके अंदर का स्पंज फिल्टर निकाल ले बाहर। उसके बाद ये कचरा नीचे बैठ जाता है, आपको साइफन पाइप मिलता है, साइफन पाइप से आपको नीचे का कचरा उठा लेना है। ओनली फॉर 50% या 75% आपको पानी चेंज करना है। अगर आप टैप वाटर डालते हो तो उसके अंदर डीक्लोरिनेशन डालना ज़रूरी है। अगर टैप वाटर नहीं डालते हो, आप बोरिंग पानी यूज़ करते हो, तो आपको डीक्लोरिनेशन नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद आपको पानी भर देना है। अगर टैप वाटर यूज़ करते हो तो आपको नमक डालना ज़रूरी है। अगर आप बोरिंग पानी यूज़ करते हो तो आपको नमक डालना ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो नमकीन पानी होता है, खारा पानी। थैंक यू आरिफ भाई फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आज का भी हमारा वीडियो व्यूवर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट्स आए थे हमें कि फ़िश को जो डिसीजेस होते हैं उसके बारे में कुछ बताइए, कि कौन से डिसीज़ पे कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए उसके बारे में बताइए। तो आज का हमारा वीडियो उसी के बारे में था। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। ऊपर में जो सर्कल दिया है उस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोस में आपके लिए लाते रहने वाला हूँ। सो देखते रहिए फिशेस एंड प्लांट्स।